अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बस मेरी आज मॉर्निंग थोड़ी लेट हुई है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा सके क्योंकि रात में मुझे बहुत नींद आ रही थी। मैं अलार्म लगाए बगैर सो गई तो मेरी आँख जो है वो थोड़ी लेट खुली 7:15 बजे, तो बच्चों की आज हो गई हैं मौजें। सो बस अब मैं नाश्ते वगैरह की तैयारी करती हूँ, नाश्ता वगैरह बनाती हूँ। बच्चे तो कब से ही उठे हैं, उन लोगों को भूख लग रही है, तो फिर मिलते हैं जी। तो मैं फिर क्या कहते हैं मॉर्निंग में जो है वो थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ, और ये मैंने चाय डन कर ली है। बस नाश्ता वगैरह भी आ गया है, बस नाश्ते की तैयारी है, नाश्ता करेंगे। हलवा पूरी आई है आज, हमने हलवा पूरी खानी थी, और मेरे बड़े बेटे ने जो है वो पराठे छोले खाने थे, तो उनके लिए एक पराठा लिया और हमारे लिए पूरी ली, क्योंकि वोट हमारी तरफ ज़्यादा थे। साहिली क्या है आपके? आपके टॉय हैं? वाओ, ये कब टूटेंगे साहिल? पक्की बात है? प्रॉमिस नहीं तोड़ेंगे आप? आज हम लोग जो है वो लॉन्च में बैठ के नाश्ता कर रहे हैं क्योंकि बच्चे आज घर में ही हैं। बस इन लोगों ने तो है ना रूम को जो है वो मैदान समझा हुआ होता है मैच का। ये जुम्मे की तैयारी हो रही है माशाल्लाह से, आयरन वगैरह करके सबके कपड़े वगैरह मैंने बच्चों को रेडी किया, बात दिलाया, अजान हो गई है जुम्मा। अम्मा जी जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक। बस जमात खड़ी हो गई है, अब ये लोग भाग भाग के जा रहे हैं। ये छोटे वाले जो है ना मेरे बहुत शरारती हैं, बहुत शरारते करता है, मुझे नहीं जाना, मुझे जाना है, मुझे नहीं जाना, बस यही कर रहे थे। फिर हम लोगों ने भी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज अदा कर दी है, और ये है मेरा फ्राइडे लुक। जुम्मा मुबारक हो सबको, और आप लोग बताइए क्या चल रहा है। मैं तो नमाज वगैरह पढ़ कर फ्री हो गई हूँ, अब खाने की तैयारी करूँगी जी। तो मैंने आज सोचा कि फ्राइडे है तो हल्की फुल्की सी कोई चीज़ बना लूं, तो मैंने सोचा खिचड़ी बना लेती हूं। अक्सर घरों में खिचड़ी ही बन रही होती है, या आलू की तहरी हो गई, हल्की फुल्की चीज़ फ्राइडे वाले दिन। ये मैंने इसका सामान वगैरह सब ओके रेडी कर दिया है, तो बस अब मैं ये चावल वगैरह धोकर भिगोकर इतने में इसका सामान भगा लूँगी फिर ये। जी तो मैंने तो यहाँ तैयारी शुरू कर दी है, आप लोग बताइए कमेंट्स बॉक्स में कि आप लोगों ने क्या पकाया आज, कैसा रहा आप लोग का आज का दिन। बस ये खिचड़ी हो गई, बिरयानी हो गई, चावल वाली जो भी चीज़ हो गई है मेरे घर वाले जो हैं वो शौक़ से खा लेते हैं, और खिचड़ी तो गरम गरम ही अच्छी लगती है। तो माशाल्लाह से रेडी हो गई है, अच्छी बनी थी। ये मैंने हरी मिर्चें जो हैं अचार के मसाले में लेमन वगैरह ऐड करके इसको मैंने पेस्ट बना के हरी मिर्चों के अंदर भर के उसको, और इसको मैंने फ्राई कर लिया था, बहुत मज़ा आया माशाल्लाह से। हरी मिर्चें, गरम गरम खिचड़ी, और ये मिर्चें बेसन के पराठे, आलू के पराठे के साथ भी अच्छी लगती है। बाकी शाम में कबाब रखे थे तो मैंने कहा फ्राई कर लूँ, ये मैंने फ्राई कर लिए क्योंकि चावल के साथ जो हमारी बेटी हैं वो कबाब चाहिए होते हैं उनको, के टिक्का हो या कबाब वगैरह हो, तो मैंने फ्राई कर लिए थे। जी तो ये मदरसे जा रहे हैं बच्चे, पूरी रेडी हो गई है मदरसे जाने के लिए। वेयर आर यू गोइंग साहिल? यू आर गोइंग डिनर? ओके। तो आज ये वासे पाक का जो है वो उस मुबारक था, तो मैंने नियाज देनी थी तो मैंने कस्टर्ड बना लिया था, मैंने कस्टर्ड वगैरह बना कर उसमें नियाज दी। इंशाल्लाह बड़ी ग्यारहवीं शरीफ करने की नियत है, अल्लाह पाक कबूल फरमाए, तो इंशाल्लाह बड़ी ग्यारहवीं शरीफ करेंगे हम लोग घर पर। ताकि ये देखें आज चाँद कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत प्यारा लग। जी तो ये था आज का व्लॉग, आई होप आप लोग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे न्यू व्लॉग के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग PLZ सपोर्ट मी।